नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे और आई एम योर मेंटर शिवांश भसीन। और आज की वीडियो भी ज़्यादातर इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने आज लाइव सेशन करा था यूट्यूब के अंदर। जब मार्केट ओपन थी, लाइव मार्केट सेशन करा था एंड वहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे, बहुत सारे स्टॉक्स के आपकी क्वेरीज को फुलफिल करा था। तो उन्हीं स्टॉक्स में से ढूंढ के मैं कुछ आज 5 स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, प्लस निफ्टी का बैंक निफ्टी का सेटअप दोबारा ट्रेड हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो के सेशंस बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हो जाते हैं, तो हम लोगों को चार्ट्स तो क्लियर समझेंगे बट यहाँ पर हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग बढ़ते हैं सीधे अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में हम लोग कल ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग अपने ट्रेडिंग सेटअप पर आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक मैं आप लोगों के सामने जो शेयर करने वाला हूँ वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या लग रहा है हम लोगों को उसको बताता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले आप देखिएगा कि यहाँ पर एक फॉल आया, फॉल आने के बाद देखिए एक सेकेंड में कलर इसका चेंज कर दूँ। फॉल आने के बाद इसने एक डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो क्रिएट करा है। इस लेवल पे डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो क्रिएट करा, उसके बाद ऊपर गया एंड यहाँ पर इसने एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो को क्रिएट करा है। क्रिएट करने के बाद ये दोबारा नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद आप देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस था, ये पहले मल्टीपल सपोर्ट्स थे, सपोर्ट्स को ब्रेक करा, ऊपर गया ये रेजिस्टेंस। सो अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देने के बाद एक बार नीचे रीटेस्ट करने आया है। अगर इस लेवल से दोबारा ऊपर जाता है तो यानी कि दैट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, तो इसके थ्रू आप लोग देख सकते हैं डेफिनेटली यहाँ पर ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है। करंट प्राइस की मैं बात करूं तो करंट प्राइस ट्रेड कर रहा है 3963 रुपीस का। अगर ये 3970 के ऊपर जाता है तो आप लोग यहां पर अपना एक सेटअप लेकर चल सकते हैं। ऑलमोस्ट अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं, देखिए इंट्राडे पर्पस से अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि 20 से 25 रुपए मिले तो निकल जाना, बट अगर आप इसे होल्ड कर सकते हैं तो आई थिंक 40-50 रुपीस तक के टारगेट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि इसका प्रीवियस टॉप है। याद रखिएगा 40-50 तक के भी टारगेट्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसका जो प्रीवियस टॉप है एंड यहाँ पर आपको ये अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड स्टॉक की, दैट इज वोल्टास। वोल्टास के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। वोल्टास के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए क्लियर ही एक चीज दिख रही है, इसने एक स्ट्रॉन्ग हम लोगों ने एक रैली बनाई हुई है। देख रहे हैं यहाँ पर इस लेवल पे देखिएगा, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, इधर सपोर्ट लिया एंड यहाँ पर भी मल्टीपल सपोर्ट लिया। सो एक लॉन्ग ट्रेंड लाइन हम लोगों को बॉटम से देखने को मिल रही है, उसके बाद हम लोगों ने जितने भी टॉप्स हैं उसको कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी एंड आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों को यहाँ पर एक क्लियर ब्रेकआउट देखने को मिला है। उसके अलावा हम लोगों ने एक इंडिकेटर का यूज़ करा जिसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर। इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है कि इस वॉल्यूम प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा जहाँ वॉल्यूम है उसके ऊपर जाके इसने अपनी क्लोजिंग करी है, विच इज अ वेरी गुड साइन। यस, अभी भी अपने क्रूशियल लेवल पे है। अगर ये अपने अभी करंट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 110 चल रहा है, सॉरी 1010 चल रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक वोल्टास का करंट प्राइस। अगर ये अराउंड 1012 के ऊपर कल इंट्राडे में जा रहा होता है, 1012 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा इस ब्लैक कलर की लाइन है, इस ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर नहीं क्लोजिंग दे रहा है ये। अगर इस ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज दे जाती है तो हम लोग बाय करके चल सकते हैं। ऑलमोस्ट 10-15 रुपए ये स्टॉक भी हम लोगों को दे सकता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को नोट करने वाली है कि अभी करंट में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने अभी यूएस की मार्केट और सारी मार्केट्स को देखा है, सब लोग 1-1.5-2% डाउन है। डाउ जोन्स भी 500 रुपए गिरा हुआ है, तो उसकी वजह से कल शायद हमारी मार्केट पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, कल हमारी शायद मार्केट नीचे गिर सकती है इसकी वजह से। सो मैंने जितने भी ये स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ ये सारे बाय साइड में है, ना कि सेल साइड में है। सो आपको करना क्या है, अगर ये आप लोगों को अपने लेवल्स पे नहीं मिलते हैं तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करिएगा। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोगों को बाय साइड पे ही मैं स्टॉक्स प्रोवाइड कराता हूँ, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, बट अगर आपको ट्रेड नहीं मिलता तो आप मत करिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं लाइव आऊँ दोबारा, कल एक्सपायरी है कल वेडनेसडे को, क्योंकि थर्सडे को हॉलीडे है। सो अगर मैं कल यूट्यूब पे लाइव आता हूँ तो मैं आप लोगों के वहाँ पर डाउट्स क्लियर कर दूंगा, वरना मैं वहाँ पर कुछ स्टॉक्स रिकमेंड कर दूंगा, बट अभी के लिए बाय साइड में है। सो अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो हमारे लाइव के थ्रू आप लोग हमें देख लेना। ओके, इस स्टॉक को आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं टाटा केमिकल की।
स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। एंड इसने एक पैटर्न को फॉर्म करा है, जिस पैटर्न को हम लोग कहते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न। क्या बोलते हैं इसको? ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक ने फॉर्म करा है। सो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके से है। ये टॉप देख रहे हैं, ये टॉप से एक नीचे फॉल आया, उसके बाद एक इसने पुल बैक लिया, उसके बाद दोबारा नीचे आया। सो यहाँ पर हम लोग क्या बोल के चलते हैं, ये जो इसने एक जिगजैग फॉर्मेशन करी है ना, इसे हम लोग बोलते हैं ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न। कैसे? जो ये वाली फॉल दिख रही है और जो ये वाली फॉल दिख रही है, ये दोनों एग्जैक्ट सेम होती है। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिएगा ये टॉप है एंड ये एक बॉटम है। इसी पूरे के पूरे बार को अगर मैं इधर लेकर आता हूँ तो आप देखेंगे बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न होता है। अब यहाँ के जो टारगेट्स होते हैं, वो टारगेट्स होते हैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, अगर मैं इसका और इसका टॉप कनेक्ट कर दूँ, ये दोनों के मैं टॉप कनेक्ट कर दूँ, तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन तक के हमारे टारगेट्स होते हैं टाटा केमिकल के। करंट प्राइस जो इसका ट्रेड कर रहा है, वो कर रहा है 696 रुपीज़ पे। मैंने यू अपने लाइव स्ट्रीम पे भी आज कहा था 700 रुपये के ऊपर एक साइकोलॉजिकल लेवल है, अब वहाँ पर बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, सो अगर ये 700 के ऊपर क्लोज करता है तो आप लोग बाय करके चल सकते हैं, तब ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। ओके, यहाँ पे इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर अगर ये जाना स्टार्ट करता है, मैं आप लोगों के लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इस पर्टिकुलर मतलब 701 के ऊपर अगर ये जाना स्टार्ट करता है तो आप लोग बाय कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 707, 708 या 7010 तक के भी टारगेट्स आपको मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर, या उससे भी ज़्यादा मिल सकते हैं। ओके, सो 701 का लेवल बता रखा है, उसके ऊपर ही हमें बाय करना है। 7010 तक के टारगेट्स हम लोग मान के चलते हैं। ओके, इसके अलावा बात करते हैं पीएनबी गिल्ड्स, जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पीएनबी गिल्ड्स का। ओके, ये वाला पर्टिकुलर स्टॉक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ये मेरा एक स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक है, ये मैंने खुद पर्सनली होल्ड करके रखा हुआ है, और यहाँ पर आप लोग खुद भी बाय पोजिशन बना सकते हैं। ठीक है, ये देख रहे हैं एक वीकली का टाइम फ्रेम मैंने ओपन करा हुआ है। वीकली के टाइम फ्रेम पे हम लोगों को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, क्लियर दिख रहे हैं, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है। अगर आप लोगों को अभी अभी पता है हेड एंड शोल्डर के बारे में या नहीं पता, तो आप इसे ढूंढ नहीं पाएंगे या बना नहीं पाएंगे, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर हेड एंड शोल्डर है, कहाँ नहीं है। सो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर था, इसका ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट आने के बाद अगर मैं डेली चार्ट्स पे चलता हूँ, सो यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये वाली ब्लैक कलर की लाइन पे एक रेजिस्टेंस है। यस, इसके ऊपर आज क्लोजिंग मिली है, बट बहुत छोटी क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी करंट प्राइस की मैं बात करूँ पीएनबी गिल्ड्स की, तो वो 54.80 है। अगर ये 55.10, मैं क्या बोल रहा हूँ, 55.10 के ऊपर अगर जाना स्टार्ट करता है, तो आप लोग एक बाइंग इस पर बना सकते हैं। ये एक स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक है, मेरे जो टारगेट्स हैं वो 60 रुपीज़ के हैं या 60+ के हैं। सो यहाँ पर आप लोग एक ट्रेड लेकर चल सकते हैं, या फिर अगर कभी ये कोई डिप देते, देखिए पहले तो इसे ब्रेकआउट देना होगा, पहले तो ये 55.10 के ऊपर इसे जाना होगा, बट अगर कल ये नीचे खुल जाता है या और नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो ट्रेड मत करिएगा जब तक इस ब्लैक लाइन के ऊपर अगेन ब्रेकआउट नहीं आता। होप आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, बट कोई बात नहीं, हम लोगों को इस ब्लैक लाइन के ऊपर का वेट करना होगा। सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिएगा एक बार इसने क्या करा है, ब्रेकआउट दिया है, नीचे आया है, यहाँ पर इनडिसाइसिव कैंडल बना के रीटेस्ट कर रहा है। अगर कल ये इस लेवल के ऊपर स्टार्ट करता जाना, तो यहाँ पर आप लोग बाय कहीं पोजिशन बना सकते हैं, इसके नीचे आपको कोई बाय पोजिशन नहीं बनानी है। आई होप मेरी आप लोग बात समझ गए होंगे। ठीक है, और लास्ट स्टॉक HSIL, ये स्टॉक ने भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रखा है, एंड ये पर्टिकुलर स्टॉक मैंने पर्सनली खुद बाय कर रखा है 185 के या 184 के लेवल्स पे, बट आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ 207 रुपये में। ये मैंने अपने क्लाइंट्स को भी नहीं दे रखा है, बट मैंने आज अपने लाइव स्ट्रीमिंग पे भी बताया था, ये आज 20% का अपर सर्किट ऑलरेडी लगा चुका है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखिएगा इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या करा है, यहाँ पर इसने एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न होना वीकली टाइम फ्रेम फॉलो करा है, इसका ब्रेकआउट ये दे चुका है, ऑलमोस्ट 200 रुपये में इसने अपना ब्रेकआउट दिया है। सो यहाँ पर आप लोग एक बेट करके चल सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये आपको अच्छे रिटर्न्स, मतलब ऑलमोस्ट आपको ये 25% तक के रिटर्न्स दे सकता है, 20 से 25% के रिटर्न अभी अपने करंट लेवल्स पे भी दे सकता है। ये स्टॉक अच्छा काम कर रहा है, अभी इसने एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर हम लोग एक बाइंग एक टेक्स्ट करके चल सकते हैं। स्टॉक का नाम है HSIL,
यहाँ पर भी आप अगर क्लियरली देखेंगे, इसने अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी एक क्लियर ब्रेकआउट दिया है। सो अगर कल ये रीटेस्ट करने आता है या थोड़ा सा नीचे आता है तो भी आप लोग इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर ये नीचे आता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके, हमारा ये स्विंग ट्रेडिंग है, दो स्विंग ट्रेड्स बताए, एक तो PNB गिल्ट, एक तो आप लोगों को HSIL। ये तीन तीन हफ्ते पर्पस के लिए भी अगर आप होल्ड करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। जो वो स्टॉक्स है आप उन्हें स्विंग के लिए भी लेकर जा सकते हैं या इंट्राडे में भी काम करके चल सकते हैं, हर जगह सेम रिजल्ट आपको मिल सकता है। बट प्लीज रिमेंबर, मार्केट शायद नीचे खुल सकती है तो इन स्टॉक्स को उसी के साथ ट्रेड करिएगा, मार्केट की कंडीशंस के साथ, ठीक है? वरना आप लोग मुझे मैसेजेस करते रहेंगे सर हमें लॉसेस हो गए हैं। सो इस वजह से मैं कह रहा हूँ जब प्राइस आएगा, जो प्राइस बता रखा है वो आए तो ही ट्रेड करना है, वरना बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। प्लस आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैंने आज कुछ स्टॉक्स रिकमेंड करे थे। आज की मार्केट के लिए 4% तक ऊपर गए हैं, 500 रुपये तक के टारगेट्स दे रखे हैं। सो आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम ज्वाइन होने का लिंक है। ये हमारे पर्टिकुलर इंस्टाग्राम का नाम है फर्स्ट डबल अंडरस्कोर इन्वेस्टमेंट, तो उसको थ्रू भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। प्लस आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं कुछ अपडेट्स डालते रहता हूँ जो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच, आप लोगों को मेरे को इतना ज़्यादा टाइम दिया है, मेरी वीडियो को टाइम दिया। एंड गाइज जो आप लोगों ने रिपोर्ट बोली थी वो रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने कल शेयर करूंगा, जो प्रीवियस वीक के स्टॉक्स थे स्विंग ट्रेडिंग के कैसे परफॉर्म करे हैं। सो प्लीज बी पेशेंट्स, आप लोगों को वो भी प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, और हम लोग मिलते हैं कल अगली वीडियो पे। तब तक के लिए मैं शिवांश भसीन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।